इस कुर्सी पर सिर्फ मैं बैठता हूँ, सिर्फ मैं। देखिए महाराज का प्राइवेट प्लास्टिक की जयकार हो, चार हो बुखार हो। किसको जान बुखार लग गया? बाजा वाले, बताओ तुम मेरे दरबार में कितने दिन से काम कर रहे हो? बचपन से काम कर रहे हो। इतना बड़ा हो गया जी, कुर्सी लगाने का भी तुम्हें तमीज नहीं हुआ? ना तोरे कमीज मिलना चाहिए। बेहुदा कहीं का मैं कमीज का बात नहीं कर रहा, तुम्हारे दिमाग का बात कर रहा। कुर्सी लगाने का तमीज हुआ है रे? ओ महाराज गलती हो गया। अरे जनता का बच्चे, बेहुदा कहीं का हरम चाता गधा कहीं का। तेरा बोले के पेटी बता, मैं तुम्हें दरबार में कुर्सी लगाने के लिए कहा जी? तुम कुर्सी तो लगा दिया दरबार में जी, लेकिन बेटा कुर्सी पर निगाह नहीं डाले। निगाह कुर्सी कितना गंदी है रे? ओ जी महाराज, अभी हम साफ कर रहे हैं। चल चल से साफ करो। हाँ फट गया बेहुदा कहीं का। बता, मैं तुम्हें कुर्सी साफ करने के लिए कहा, तुम कुर्सी पर बैठा क्यों रहे? ए बला जी महाराज, हम कुर्सी साफ कर रहे थे अभी अभी। कुर्सी साफ, लेकिन क्या चीज से? बरस से, बरस से। बरस से जी? तुम्हारे पास बरस है कौन? ए बला नहीं देख लो चुकी हाँ। बरस को फोड़ डालूंगा, नहीं तो हाथ से साफ करो। हरा बिजली, जब से दरबार में आया हो जी, दरबार में सिर्फ अकेले तुम्हें देख रहा हूँ। सेनापति का जी महाराज, सेनापति अभी दारू पी रहा है। दारू महेंद्रपुर शहर में दारू? जी जी महाराज, पलोथीन। तुम अपने आंखों से देखे, अपने आंखों से देखे सेनापति को दारू शराब पीते हुए? जी जी। लेकिन इस वक्त कहा होगा? जाओ सेनापति को बुला करके लाओ। ठीक है महाराज, आपकी जो आ गया, जाओ जल से बुलाओ। लगा पिया पचकोड़िया आलदा तोरे मालिया, आज दिन अल्हार बाबूरे, आज दिन अल्हार सेनापति जी, सेनापति हाला हिसाब करने में बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कौन बोल रहा है? सेना के पति, सेना का सेनापति। बोलने के लिए नहीं आता है, तब तेरे मुंह से बोले। हमारा आवाज सुन करके हिसाब गड़बड़ हो गया। महाराज इस वक्त बुलाए हैं। महाराज? हाँ महाराज बुला रहा, अभी हमको समय नहीं है। दो कुंटल हिसाब गड़बड़ हो रहा है। दो कुंटल मकई का भाव धस रहा है। ए भाव बाद में, महाराज बुलाए हैं जल्दबाजी में, कोई जरूरी काम है क्या? अच्छा ये बात है, इधर सुनो, तुमको चाय भेजे थे, चाय लेकर नहीं आया? चाय? ए तो पहुना हम चाय देव। अरे पौना नहीं तो मुंशी है ना, थोड़ा सा कलम नीचे पीछे चला देंगे, एक महीना का नौकरी कर ले। महाराज के पास पहले चलो, महाराज के पास चलते हैं। चलो क्या बात है? ए दरबार में चलना है? तब की गुहाल में चलना है। अच्छा अच्छा ये बात है, चलो महाराज से मिलते हैं।
महाराज सेनापति, अभी अभी दरबार में तुम्हारा शिकायत आया है। हमारा शिकायत? हाँ, महेंद्रपुर शहर में मुझे मालूम हुआ कि सेनापति दारू और शराब पीता है। क्या? दारू शराब पीता है। दारू शराब? हाँ जी जी जी, एक बचपन साहब के दरबार में रहे, आज तक हिसाब में गड़बड़ नहीं हुआ, दारू कब से पीने लगे? अच्छा, तुम दारू नहीं पिए हो? दारू शराब किसने शिकायत किया आपको? अरे पचकोड़िया, चलो आगे बढ़ जी। महाराज सेनापति को बताओ दारू किस समय पी रहा था? जी महाराज, सेनापति कब दिखा रहे? पूछो उसको, पूछो। तुम दारू ना पी रहा था? हम दारू पी रहे थे। तब कब देखा? हम देखे अपने आंखों से, पसीबा के पास चरपाई था। अच्छा, उस चरपाई पे एक बगल पसीबा, एक बगल पसीनिया, एक बार सेना का पोती, हाँ, बीच में गिलास धरल रहा। अरे बेहुदा, तुमको मालूम नहीं है मैं पासी खाने में गया था हिसाब करने के लिए। और गिलास में हिसाब होता है? सुनो, पसीबा के यहाँ जाएंगे, उसके यहाँ दारू नहीं रहेगा, तारी नहीं रहेगा, तो क्या दूध का गैलन रखा होगा? तो इधर सुनो बेहुदा, हम वहाँ पर तुमने पीते तो नहीं देखा? गिलास देखे। और गिलास देखा जी, दारू देखा, खटिया पर बैठल था वो भी देखा, वो देखे, लेकिन पीते हुए नहीं देखा। पीते नहीं देखे, बिना देखे हुए किसी पर इस प्रकार से कलंक लगाना गलत बात है। सुनो गिलास देखा महाराज को बता दो। जी महाराज, हम इसे पीते वक्त नहीं देखे, लेकिन गिलास देखे। गिलास देखा जी, लेकिन पीते हुए बेटा नहीं देखा। काम के जगह पर सिर्फ बेहुदा कहे, कुछ से कुछ बोलने लगता है। सेनापति हमारा पचकोड़िया, तुम दोनों जानते हो कि संसार में शंकर और सुशीला दोनों मेरा जान है। क्यों नहीं? बचपन में उनकी माँ मर गई, माँ मर जाने के बाद इस महेंद्रपुर शहर में शंकर और सुशीला को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। कभी शंकर और सुशीला को कोई वस्तु की कमी नहीं दिया। और जब तक कि सुबह से एक बार शंकर और सुशीला को मैं एक नजर नहीं देख लेता, जब तक कि मैं उन दोनों बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा लेता, तो दरबार में मुझे दिल नहीं लगते हैं। अभी तक शंकर और सुशीला मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। इस वक्त शंकर और सुशीला कहाँ है? शंकर सुशीला? हाँ, इस समय शंकर सुशीला अपने महल में है। सेनापति, इस समय जाओ महल, शंकर और सुशीला को बुला करके लाओ, मैं उन दोनों बच्चे से मिलने के लिए चाहता हूँ। ठीक है महाराज, आप चलिए दरबार में, हम दरबार में शंकर और सुशीला को लेकर आते हैं। क्यों नहीं सेनापति, शंकर और सुशीला को शीघ्र मेरे पास लेके आना। अवश्य लाएंगे। आई हार सैना रे,
के। सुनो पचकोरिया, हाँ सेना का पोती, इधर सुनो, मैं जो तुम्हें सबक पढ़ाता हूँ और तुम दूसरा लाइन कैसे धर लेता है? कौन लाइन? अभी तो हमको चक्कर में डाल दिया था। वो कैसे? अब बताओ तो वो पासी खाना वाला बात महाराज के पास बोल दिया। हमको पीने लेने देगा था, नहीं करेंगे शिकायत। अरे बेकू, पीना है तुम्हें और नाम लगा रहा है कि सेनापति को हम दारू पीते हुए देखे। गिलास देखे तब ना बोल दिए। देखने से नहीं होता है, पीते हुए देखो तब बोलो। इस समय महाराज का क्या आदेश है मालूम है? क्या आदेश है? महाराज का आदेश है जी, शंकर सुशीला कहाँ है? महल में। माँ के मर जाने के बाद सेनापति पचकोरिया के ऊपर सौंपा गया है जी जी, कि वो दोनों को देखभाल करने के लिए। क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, इसलिए हम दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे पर भी और जो काम है महल और खेती बाड़ी सब कुछ देखना। ऐसा कीजिए, शंकर सुशीला को बुलाते हैं। ठीक है, उसको पहले माता पिता से मिलाते हैं। शंकर और सुशीला कहाँ हो भाई? शंकर, हाँ अभी बुला रहे हैं। सुनिए, आओ शंकर मेरे पास आओ। चलो सुशीला, जीते रहो शंकर, जीते रहो भाई सुशीला। आशीर्वाद देने के लिए भी नहीं आता। अरे क्या उदार दिन, क्या बोलता है, क्या बात है? सुनो शंकर और बहन सुशीला, तुम दोनों भाई बहन को इस समय पिताजी दरबार में याद किए? क्या इस समय मेरे पिताजी दरबार में याद किए? हाँ, सुबह हो गया और अभी तक तुम पिताजी से मिलने के लिए नहीं गया, इसलिए पिताजी बोला कि शंकर सुशीला को बुला कर लाइए। ठीक है, इसमें चलिए चलते हैं पिताजी के पास। चलो दरबार में पिताजी से मिल दूं। हाँ हो यादुदी ना, चल बाता भैया, चलवार सा